एवरीवन, वेलकम टू गेम्स टॉक। तो दोस्तों, आज की जी वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि रूम कैसे ज्वाइन करना है। तो जैसे कि हमारा इस एतवार को टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें 20 रुपीज़ एंट्री फीस है और 15 रुपीज़ पर किल है। तो उसमें जो भी ज्वाइन करना चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि वो रूम में कैसे ज्वाइन करें क्योंकि उन्हें रूम में ज्वाइन करने का पता नहीं। तो सिंपल है, जहाँ पे ऊपर स्टार्ट के नीचे मैप के बाद जहाँ पे एक हट बनी हुई है, इस हट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एंटर रूम आईडी, या फिर आप जहाँ से क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, रूम में एंटर करने के लिए जहाँ पे एंटर आईडी पासवर्ड करना है, जहाँ पे जो भी आईडी होगी, चलो हम वैसे ही डाल देते हैं कोई भी आईडी, 13245। ठीक है भाई, ये हमने एंटर कर दी। ठीक है, जैसे हम जहाँ पे एंटर करेंगे, देख कोई जेन्युइन आईडी चाहिए होगी हमें, तो हम 98745 डालते हैं। दिस रूम हैज़ बीन क्लोज्ड। तो भाई जे अभी जैसे हम जहाँ पे एक आईडी डालेंगे तो इस तरह से वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे ही आप रूम का पासवर्ड भरोगे 123 जो भी पासवर्ड आपको मिलेगा, वो पासवर्ड जैसे आप जहाँ पे भरोगे तो आप रूम में एंटर हो जाओगे। तो इस तरह से आप रूम में एंटर हो सकते हो। जैसे कि इस रूम का आईडी पासवर्ड है RADIVO, तो हम जहाँ पे एंटर करते हैं RADIVO। ठीक है भाई, एंटर हो गया, एंटर इन रूम। तो भाई जैसे हमने एंटर रूम किया तो जहाँ पे हम रूम में एंटर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम रूम में एंटर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से आपने आगे फिर टूर्नामेंट खेलना है, तो ये था भाई आप टूर्नामेंट में कैसे रूम में ऐड होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर।